एवरीबॉडी कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले द 100 के छठे मुकाबले के बारे में, जो कि मैनचेस्टर और बर्मिंघम के बीच में खेला जाएगा रात 10:30 बजे भारतीय समय अनुसार आज 25 जुलाई को, जैसा कि आप सबको पता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे किन प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट करके हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो मैं कोई इंट्रो वगैरह नहीं रख रहा हूँ, आप बस टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना जैसा आपको अच्छा लगे। सारे चीज़ें जो है डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा, वहाँ सब सारी चीज़ें कर सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो यार कर दो, फ्री है, मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी और आप सबके लिए भी। मैं फ्री वीडियोज़ और फ्री कंटेंट प्रोवाइड करने में लगा रहूँगा। ठीक है, अब सीधे हम बात करते हैं किन प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बात कर मैनचेस्टर की, तो देखो जो टीम है पिछला मुकाबला हार के आ रही है और इनका पहला ही मुकाबला था। वहीं बात कर बर्मिंघम की, तो इनका पहला जो मुकाबला था वो जीत के आ रही है। लेकिन देखो कोई भी टीम कभी भी इसमें जो है पलटवार कर सकती है, कोई कमज़ोर और कोई मजबूत टीम नहीं कही जा सकती। हालांकि मैं थोड़ा सा अगर एक साइड की बात करूँ, एक अपना ओपिनियन की बात करूँ, तो फिनिक्स वाली टीम जो है बर्मिंघम की टीम काफ़ी ज़्यादा मजबूत लग रही है। मैं बताऊँगा ऐसा क्यों हो रहा है और क्या इसके कारण है। ठीक है, लेकिन मैं एक बार बात करूँ मैनचेस्टर के साइड से किन प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला प्लेयर जो कि आउट ऑफ स्टॉक दिख रहा है वह है फिलिप साल्ट, 35 के प्राइस पे। भाई जितना ज़्यादा बाई कर सकते हो कर लेना, मैक्सिमम ट्रेड करना इसी प्लेयर के ऊपर। ज़्यादा प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट मत करो, कम प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट करो और ज़्यादा उनके शेयर्स बाई करो। तो फिलिप साल्ट के ऊपर ट्रेड कर लेना, ओपन कर रहे हैं कभी भी, भाई किसी भी दिन पारी खेल सकते हैं, 50-55 की प्राइस पर चले जाएंगे, फिर वहाँ से सेल करके एग्जिट कर लेना। ठीक है, अगले प्लेयर की मैं बात करूँ सीधा सीधे को, टॉम लेमन भी आपको मिडिल ऑर्डर में से खेलते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन प्राइस थोड़ी ज़्यादा लग रही है मुझे 42 की। और जिस दिन अच्छे प्लेयर्स ऊपर के आउट नहीं होंगे फिर इनके चांसेस भी नहीं आ पाएंगे। बात करें देखो नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए नजर आ जाएंगे जो क्लार्क। जो क्लार्क के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा ट्रेड मत करना, थोड़ा सा रिस्की है। इनका ऑल टाइम हाई 55 के आसपास है, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 रुपये का आप जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बस यही है मैं आपसे बोलूँगा। तो जो क्लार्क 47 है वही, अगर जो क्लार्क 40 के आसपास मिलते हैं तो मैं बोलता भाई इनके ऊपर दबा के ट्रेड करो, लेकिन नहीं, 47 पे आप थोड़े बहुत जो है शेयर्स इनके बाय कर सकते हो एज एन एक्सपेरिमेंट, कि थोड़ा बहुत जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हो। हालांकि नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हैं तो चांसेस तो पूरे मिलेंगे ही मिलेंगे, भरपूर चांस होगा, किसी दिन भी अच्छी पारी खेलेंगे तो आप प्रॉफिट बुक कर लोगे वहाँ से। बात करें अगले प्लेयर की, तो देखते हैं जब सारे प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा महंगे। देखो कार्लोस ब्रैथवेट बैटिंग और बॉलिंग दोनों से धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्राइस जो है 57 का थोड़ा सा ज़्यादा है भाई, थोड़ा सा ज़्यादा है, इन द सेंस कि डेली आपको बैटिंग करके नहीं देने वाले और बॉलिंग से एक आध विकेट जरूर निकाल सकते हैं, लेकिन बॉलिंग से प्राइस की मूवमेंट उतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। बात करें अगले हमारे प्लेयर की, वह जॉस बटलर, देख लो कैप्टन है, ओपन भी करते हैं, 57 की प्राइस है। पिछला मुकाबला इनका जो है खराब प्रदर्शन रहा था पिछले मुकाबले में, लेकिन अब 57 की प्राइस जब हो गई है, थोड़ा सा अगर ये 55 या 50 के आसपास मिलते हैं तो फिर कुछ ज़्यादा ही मैं इनको रिकमेंड करता, लेकिन ठीक है अभी थोड़ा सा अगर आप चाहो तो वेट भी कर सकते हो या फिर इनके ऊपर ट्रेड कर सकते हो। प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, 50 के आसपास होती तो हम इनके ऊपर दबा के ट्रेड कर सकते थे, लेकिन फिर भी आप इनके ऊपर ट्रेड कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा बचता है और कोई ट्रेड नहीं मिलता तो जॉस बटलर को जरूर से आप कंसिडर कर सकते हो। भाई ओपन करते हैं तो 60-70 रन की जो प्राइस लिमिट है उस तक यहाँ उस तक ये क्रॉस कर सकते हैं, तो आपको 10 से 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो जॉस बटलर को कंसिडर कर लेना अगर पैसा बचता है तो, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो पैसा अगर नहीं है तो। बात करें कॉलिन मुनरो की, तो देखो कॉलिन मुनरो ठीक है खेलते हुए नजर आ जाना, अच्छी बैटिंग भी कर लेना, लेकिन प्राइस 60 रुपये ज़्यादा लग रही है, इनको छोड़ ही देना। तो सिंपल है, फिलिप साल्ट के ऊपर मैक्सिमम ट्रेड कर लेना, जो क्लार्क और जॉस बटलर, तीन प्लेयर्स मैंने बता दिए। बात करें बर्मिंघम के साइड से, तो देखो बर्मिंघम के साइड से देखते जाओ दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें जो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मिस्टेक्स ये हो गया था कि जो कुछ प्लेयर इनके बेंच वाले थे लाइक एडम होज, पैट्रिक ब्राउन, डोमिनिक सिबली, ये प्लेयर्स फिनिक्स वाले प्लेयर मैंने दूसरे टीम में लिख दिया था, ओवल के साइड से लिख दिया था बेंच में, तो थोड़ा सा मिस्टेक उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, थोड़ा एडिटर का प्रॉब्लम था, उन्होंने इसको गलत जगह पे लिख दिया था, तो खास उससे कुछ दिक्कत आपको नहीं होगा। खैर वो तो अलग की बात है कि बेंच वाले प्लेयर्स वैसे भी आप ट्रेड नहीं करोगे, तो वो बेंच का जो है मैंने यहाँ का जो इन मतलब फिनिक्स के टीम का जो बेंच वाले प्लेयर है उसको थोड़ा सा मैंने उस गलती से ओवल के साइड में लिखा गया था, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ज़्यादा जो मैचेस होते हैं, ज़्यादा जब सिस्टम अपडेट करना पड़ता है, ज़्यादा चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, तो इतने इतने मिस्टेक्स हो जाते हैं, बट आगे से कोशिश करूँगा कि ऐसा चीज़ ना हो। ठीक है, अब देखो मैं बताऊँ फिनिक्स की टीम मजबूत क्यों लग रही है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता दें, बस सीधे आप नीचे चलो और देखो, लियाम लिविंगस्टोन, इमरान ताहिर, मोइन अली, बेनी हॉवेल, टॉम एबल, केन विलियमसन तो फिलहाल नहीं खेला, लेकिन फिन एलन, एडम मिलने, ये डेनियल, और ये सब ऐसे जो प्लेयर्स जो हाई प्राइस वाले और काफ़ी दमदार प्लेयर्स हैं भाई। मुझे तो मतलब मोइन अली और लियाम लिविंगस्टोन इनका नाम सुन के भाई लगता है कि भाई टीम कंप्लीट हो गई भाई, इतने जबरदस्त प्लेयर हैं ये दोनों,
इनका बैट स्विंग आप देखना, दोनों ही प्लेयर का लंबे लंबे हिट्स लगाते हैं। और मतलब इस टाइम अगर मौजूदा टीम की बात करें इंग्लैंड की, तो यही दो प्लेयर है जो लंबे सिक्स लगा रहे हैं फिलहाल तो। हालांकि जॉस बटलर भी हैं और ये अपने क्या नाम है, जॉनी बेयरस्टो भी हैं, लेकिन ठीक है। बट इस टाइम जो अभी करंट फॉर्म की बात करें तो लियाम लिविंगस्टोन भाई 122 मीटर का छक्का इन्होंने लगाया था, तो फिर मज़ा आ जाता है देख के। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये दिखता है कि टीम मजबूत दिख रही है। हालांकि अगर मैं बात करूँ भाई मैनचेस्टर की, तो केवल अगर अच्छे बैट्समैन की बात करें जो लंबे हिट्स लगा सकते हैं, तो वो हैं फिलिप साल्ट भी खेल सकते हैं, बट कंसिस्टेंटली नहीं रन बना पाते और इतना एक्सपीरियंस नहीं है। वहीं बात करें अगर जॉस बटलर की, तो आप जॉस बटलर को जानते भी हो कैसे खेलते हैं, ठीक है। बाकी कॉलिन मुनरो वगैरह हैं, जो क्लार्क वगैरह, तो जो क्लार्क तो उतने कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन कॉलिन मुनरो मान लो इंटरनेशनल प्लेयर हैं और बहुत सारे लीग्स खेले में एक्सपीरियंस है, तो वो अच्छी पारी खेल सकते हैं। इसीलिए फिनिक्स का थोड़ा सा मुझे जो है साइड से लग रहा है कि फिनिक्स जीत सकती है। फिर आप भी अपना बताओ सजेशन, अपना जो अपना ओपिनियन आप शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में कि कौन सी टीम आपको जीत सकती है ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो बर्मिंघम के साइड से मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ, देखो किन प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। वो फिन एलन है, हालांकि देखो फिन एलन को थोड़ा सा अगर हम वेट करें, अगर 45 तक मिलते तो बेस्ट होते, मतलब बेस्ट डील बोले जाते, लेकिन अभी 51 है, तो थोड़ा सा आप कम बाई कर सकते हो। हालांकि यहाँ से आपको 5 से 6 10 रुपये तक का प्रॉफिट जरूर मिल सकता है, ओपन कर रहे हैं तो चांसेस तो पूरे मिलेंगे। और जिस प्रकार से इन्होंने T20 ब्लास्ट में प्रदर्शन किया, तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि किस तरह के प्लेयर हैं। 51 के प्राइस पे बाई कर सकते हो, ठीक है। प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा स्लाइटली हायर लग रही है मुझे, लेकिन 45 के आसपास होते तो भाई दबा के ट्रेड कर सकते थे। फिर भी अगर आपको ट्रेड आज नहीं मिलेगा, तो फिन एलन के ऊपर आप ट्रेड कर लेना। बात करें अगले प्लेयर की, तो वो प्लेयर कोई भी नहीं है। मोइन अली 65, लियाम लिविंगस्टोन 68, इमरान ताहिर 65, मतलब सारे हाई हाई फाई प्लेयर हैं भाई, सबके प्राइस ज़्यादा। देखो डेनियल बेल ड्रमंड की बात करें तो 47 की प्राइस है यार। देखो 47 की प्राइस ठीक है, ज़्यादा तो है ही, मुझे तो ज़्यादा लग रही है डेनियल के हिसाब से, लेकिन बैटिंग के चांसेस भी नीचे आ रहे हैं, तो मतलब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। आप एक बार टेलीग्राम पर देखना मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन आपको जो 7 बजे बाई करना, वो बाई करना है केवल फिलिप साल्ट को। बाकी कोई भी प्लेयर आपको आउट ऑफ स्टॉक होते हुए नज़र नहीं आएगा। भाई बात करें क्रिस कुक की, देखो खेलते हुए नज़र तो आ रहे हैं, प्राइस भी कम है, लेकिन चांस बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। जिस प्रकार से टीम बैटिंग कर रही है, इनको नंबर 7 8 पे बैटिंग करने को मिलेगी भाई, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि इनके ऊपर भी बेनी हॉवेल हैं और जितने भी ऑलराउंडर्स इनके ऊपर ही खेलते हैं, तो क्रिस कुक को उतने बैटिंग के चांसेस नहीं मिलेंगे। तो सिंपल सा है, आपकी फिलिप साल्ट को 7 बजे बाई कर लेना। और अगर फिन एलन आउट ऑफ स्टॉक होते होंगे, क्योंकि देखो इनके फिन एलन के मैं आपको दिखाऊंगा अगर, तो फिन एलन के जो शेयर्स हैं बहुत कम है, 100 शेयर्स ही हैं, तो इनको बाई कर लेना अगर ये आउट ऑफ स्टॉक होते हुए नज़र आएंगे मैच के पहले, तो ज़रूर से इनको बाई कर लेना, ठीक है। लोग फटाक से बाई कर लेंगे 50 50 शेयर, आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। तो अगर ये अच्छा खेलेंगे तो इनको बाई ज़रूर कर लेना। बाकी कोई भी प्लेयर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। अगर बॉलर्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, तो थॉमस हेल्म के ऊपर कर लेना, अच्छे अच्छी बॉलिंग कराते हैं फिलहाल। देखो अगर बॉलर के ऊपर ट्रेड करते हो तो कर सकते हो। बाकी अब मुझे तो कोई प्लेयर आप नहीं दिख रहा है, फिन एलन हो गया, देखो टॉम एबल खेल भी नहीं रहे और प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा है। वहीं बात करें बेनी हॉवेल की, तो महंगे हैं, बाकी सारे प्लेयर्स को छोड़ दो। अगर कोई भी अपडेट होगा, कुछ भी होगा, मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा मैच के पहले। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सिंपल कम प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट करो, वेट करो और प्रॉफिट बुक करो। फिलिप साल्ट को दबा के ट्रेड करो इधर से, और कोई भी प्लेयर जो क्लार्क हैं और जॉस बटलर हैं, ठीक है। कुछ लोगों को अगर लगेगा तो टॉम लेवन बी के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि टॉम लेवन बी ने कुछ ही T20 ब्लास्ट में अच्छी पारी खेली थी, ज़्यादा लंबी पारी नहीं थी बट अच्छी पारी थी, तेज तर्रार पारी थी। लेकिन उसके अलावा मैंने अभी तक कोई टॉम लेवन बी से अच्छी पारी नहीं देखी है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट करके, अच्छा लगता तो लाइक और कर लो। ऐसे ही प्रॉफिटेबल कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, सिक्सर एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिंक है, डाउनलोड करो, फ्री स्टॉक मिलेगा, वहाँ से अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हो और प्रॉफिट वगैरह बुक कर सकते हो। तो जो भी हो, जो भी दिक्कत वगैरह आ रही हो, वो भी कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। सारी चीज़ें सब कुछ अवेलेबल है फ्री में, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करो यार, क्या किस चीज़ का वेट कर रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। चलो फिलहाल इस वीडियो में मिलता है, मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।